बेटा पेज नंबर 8.52। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे बेटे। पेज नंबर 8.52 क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं वो। जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन द बुक्स ऑफ मेसर्स आर के एंड कंपनी। आपको बेटे आर के एंड कंपनी की बुक्स में एंट्री करनी है। आप लोग बस इस बात को ध्यान रखेंगे बेटे कि आपको पहले 5 कॉलम जरूर बनाने हैं बेटे। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, डेबिट और क्रेडिट आपको बेटे 5 कॉलम जरूर बनाने हैं। आपके पास तो स्केल होता है बेटे, स्केल और पेंसिल की हेल्प से आप यहां पर पूरा फॉर्मेट बनाएंगे बेटे। और बेटे फॉर्मेट बनाना एग्जाम के अंदर कंपलसरी है। 25% मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाते हैं अगर आप फॉर्मेट नहीं बनाते। बेटे फॉर्मेट बनाना आपके लिए बहुत नेसेसरी है वरना 25% मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाएंगे एग्जाम में। बेटे पॉइंट नंबर 1, परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹20,000 फ्रॉम विशाल एट 20% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट। बेटे ट्रेड डिस्काउंट एंट्री में शो नहीं होता है लेकिन वर्किंग में शो होता है और ट्रेड डिस्काउंट सिर्फ हमारे लिस्ट प्राइस को कम कर देता है बेटे। तो फर्स्ट एंट्री डेट नहीं दी हुई है तो आप बेटे यहाँ पर पॉइंट नंबर 1 लिख देंगे। मैं पहले यहाँ पर वर्किंग बना देता हूँ बेटे। लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। बेटे लिस्ट प्राइस है आपके पास 20,000 का, 20% का ट्रेड डिस्काउंट है बेटे 4,000। मैं आपको बेटे इसको सॉल्व भी करके दिखा देता हूं। 20,000 का 20% बेटे 4,000 आता है, यानी यहाँ पे अमाउंट आ गया 16,000। आपने बेटे 16,000 के गुड्स परचेज करे हैं और वो भी चेक में परचेज करे हैं बेटे। तो डेबिट के लिए हमारे पास पहला क्वेश्चन, हमारे पास क्या आया? हमारे पास गुड्स आए और गुड्स का आना हमारे लिए कहलाता है परचेजेस, परचेजेस अकाउंट डेबिट। हमारे पास से क्या गया? हमारे पास से बेटा चेक गया अगेंस्ट चेक। तो बेटे जब भी कभी चेक की पेमेंट आएगी तो वो आएगा टू बैंक अकाउंट। सोलह हजार यहां पे आप लाइन डाल देंगे बेटे। पॉइंट नंबर 2, परचेज गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 फ्रॉम नमन एट 15% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट कैश। सर यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट का रेट चेंज हो गया है, 20% की जगह 15% हो गया है और दूसरा यहाँ पर कैश में पेमेंट हो गई। हाँ बेटे, आप जैसे यहाँ वर्किंग किया है पहले यहाँ पर एंट्री लिख लेते हैं। हमारे पास क्या आया? गुड्स आए बेटे, गुड्स का आना परचेजेस कहलाता है। हमारे पास से क्या गया बेटा? कैश गया टू कैश अकाउंट। आप यहां पे बेटे नरेशन भी जरूर लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड बाय चेक, ये ऐसे लिख दें एट ट्रेड डिस्काउंट 20%।
being goods purchased at 15% trade discount. बेटे आप आराम से सुनते जाए, मेरे हिसाब से मैं ऐसे कराऊंगा कि आपको कोई डाउट नहीं आएगा, बस आप ध्यान से देखते जाएंगे। यहां मैं वर्किंग लिखूंगा, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट लिस्ट प्राइस है बेटे 20,000 लिस्ट प्राइस है 20,000 15% का ट्रेड डिस्काउंट Point number 3. Purchase goods of list price of rupees 30,000 from Amrit at 20% trade discount. Sir, यहाँ पे cash या check कुछ नहीं लिखा हुआ। बेटे यहाँ पे नाम लिखा है ना? और देखो question silent है about cash and check। ना तो cash word लिखा है ना check word लिखा है। तो आपको क्या assume करना पड़ेगा कि आपने ये credit transaction किया है, क्योंकि यहाँ पे आपको creditor का नाम given है बेटे अमृत। एंट्री होगी हमारे पास क्या आया, गुड्स आए, गुड्स का आना कहलाता है परचेजेस, परचेजेस अकाउंट डेबिट। हमारे पास से क्या गया, कुछ भी नहीं गया। किसके पास से गया, अमृत के पास से गया। और मैंने आपको बोला या तो नाम के आगे अकाउंट मत लगाओ, और अगर अकाउंट लगाना है तो यहां पर बेटे एपोस्ट्रोफी एस एस लगाओ, अमृत अकाउंट बी goods purchased on credit at 20% trade discount at 20% trade discount working note list price list price minus trade discount list price minus trade discount list price minus trade discount list price है बेटे हमारे पास 30,000 माइनस 20% यानी कि 6,000 30,000 माइनस 6,000 कितना आ गया बेटे 24,000 पॉइंट नंबर 4 Purchase goods of list price of 40,000 for rupees 35,000 for cash. बेटे आपने यहाँ पे 40,000 के goods 35,000 में खरीद लिए हैं। देखो आपको ना mention नहीं किया गया trade discount, लेकिन बेटे ये trade discount ही है। जब आप 40,000 की चीज 35,000 में खरीद रहे हैं, आपको यहाँ mention नहीं किया है, आपको amount after trade discount calculate करके दे दिया गया है। आपको trade discount calculate करने के बाद जो नेट अमाउंट बनता है बेटे वो आपको दे दिया गया है 35,000। हमारे पास क्या आया, गुड्स आए, गुड्स का आना आपके लिए कहलाता है परचेजेस, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमारे पास से क्या गया, कैश गया बी गुड्स परचेज्ड
for cash. 35,000. B, goods purchased for cash. 35,000. Point number 5. Goods returned of list price of ₹10,000 purchased from Amrit. अब आ गई इंपॉर्टेंट बात. आपको यहां पे बेटे जो गुड्स रिटर्न दिए गए हैं ना, उसका लिस्ट प्राइस गिवन है, नेट अमाउंट गिवन नहीं. आप उसको अंडरलाइन कर ले. आपको बेटे पॉइंट नंबर 5 में जो गुड्स रिटर्न किए गए हैं उसका लिस्ट प्राइस गिवन है बेटे, नेट अमाउंट गिवन नहीं है. तो आपको अभी सोचना पड़ेगा, आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा. क्या सोचना पड़ेगा, मैं क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ. आपको यहाँ पर दिमाग की घंटी बजानी पड़ेगी कि आपने अमृत से जो गुड्स लिए थे वो बेटे 20% के ट्रेड डिस्काउंट पे लिए थे. या तो वो मेरे को साफ साफ कहता कि ₹10,000 के गुड्स वापस आ रहे हैं, ₹10,000 के गुड्स वापस किए जा रहे हैं हमने जो परचेज किए थे. लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ गुड्स रिटर्न ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000 परचेज फ्रॉम अमृत. मतलब जो गुड्स वापस किए जा रहे हैं हमें उसका लिस्ट प्राइस गिवन है बेटे. तो लिस्ट प्राइस तो देखो बेटे बिफोर ट्रेड डिस्काउंट होता है. लिस्ट प्राइस तो बिफोर ट्रेड डिस्काउंट होता है. तो जब आप परचेज करके लाए उसने आपको डिस्काउंट दिया, तो बेटे जब आप वापस करोगे तो लिस्ट प्राइस पे थोड़ी करोगे, तब भी तो आपको डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा. जब आपने अमृत से गुड्स परचेज करे तो लिस्ट प्राइस पे थोड़ी करे बेटे, आपने उस लिस्ट प्राइस पे 20% का डिस्काउंट लिया था. तो जैसे ही आप गुड्स वापस करोगे तो वापस करते वक्त गुड्स का अगर लिस्ट प्राइस गिवन है तो आपको वहां पे तो ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना पड़ेगा बच्चों. हाँ सर, वहां भी करना पड़ेगा. तो बेटे ₹10,000 के गुड्स हैं, वहां भी अगर आप माइनस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट 20% का, तो 2,000 माइनस करके ही हम वापस करेंगे. ठीक है सर. सर परचेजेस हमारे लिए एक्सपेंस होता है, एंट्री में डेबिट होता है, तो परचेज रिटर्न बेटा क्रेडिट होगा, आपके लिए रिवेन्यू हो गया. तो डेबिट के लिए पहला क्वेश्चन देखो, मैंने बहुत आसान रूल सिखा रखा है. डेबिट के लिए पहला क्वेश्चन, हमारे पास क्या आया? सर कुछ भी नहीं आया. सेकंड क्वेश्चन पूछो, किसके पास आया? सर अमृत के पास आया, क्योंकि गुड्स अमृत को वापस किए जा रहे हैं. तो अमृत अकाउंट डेबिट. हमारे पास से क्या गया? सर खरीदे हुए गुड्स वापस चले गए. To purchase return account being goods returned to Amrit. Working note, list price minus trade discount. लिस्ट प्राइस है बेटे 10,000 का, ट्रेड डिस्काउंट 2,000 का, क्योंकि 20% है बेटे. आप इसको यहां से रेफर करें. एग्जाम में ऐसे एरो मत बनाना, लेकिन मैं आपको यहां सॉल्यूशन के टाइम आपको समझा रहा हूं, इसलिए एरो बनाया कि मैंने यहां पर 20% ट्रेड डिस्काउंट इसलिए लिया क्योंकि अमृत ने हमें 20% का ट्रेड डिस्काउंट दिया. तो यहां पर अमाउंट आएगा 8,000. सर एक डाउट पूछना है. पॉइंट नंबर 6, सोल्ड गुड्स टू पारुल ऑफ लिस्ट प्राइस 40,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट. अब आपने गुड्स बेचे हैं बेटे, अब आप गुड्स सेल कर रहे हो जिसके ऊपर 10% का डिस्काउंट अब आप दे रहे हो ट्रेड डिस्काउंट मार्केट के अंदर. तो डेबिट के लिए पहला क्वेश्चन, हमारे पास क्या आया? कुछ भी नहीं आया. किसके पास आया? पारुल के पास आया. पारुल्स अकाउंट डेबिट.
हमारे पास से क्या गया? गुड्स गए, गुड्स का जाना कहलाता है सेल्स, बीइंग गुड्स, सोल्ड ऑन क्रेडिट एट द रेट 10% रेट डिस्काउंट। वर्किंग नोट, सर ये वर्किंग नोट दिखाना जरूरी है? बेटे मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि जरूरी है, लेकिन मैं अभी आपको समझा रहा हूं इसलिए मैं यहां लिखवा रहा हूं। ऐसी एंट्रीज के अंदर आप बेटे इसको डायरेक्ट भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 40,000 का लिस्ट प्राइस है, 10% का ट्रेड डिस्काउंट है, यानी कि बेटे 4,000। बेटे पॉइंट नंबर 7, सोल्ड गुड्स टू अमन, सोल्ड गुड्स टू अमन ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 30,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट कैश। यहां पे कैश की बात हो गई। ओके सर, तो हमारे पास क्या आया? कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट। हमारे पास से क्या गया? गुड्स गए, और गुड्स का जाना कहलाता है सेल्स, बी सोल्ड गुड्स ऑन कैश एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट। वर्किंग नोट, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस है हमारे पास 30,000, ट्रेड डिस्काउंट है 10%, यानी कि 3,000। पॉइंट नंबर 8, सोल्ड गुड्स टू पवन ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। आपने बेटे पवन को गुड सेल करे, ना कैश लिखा है ना चेक लिखा है, सर नाम लिखा है, तो बेटे ये क्या हो गया? क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो गई। बेटे ये कौन सी ट्रांजैक्शन हो गई? बच्चों ये हो गई क्रेडिट ट्रांजैक्शन, यानी आपने उधार में बेचा है। हमारे लिए डेबिट के लिए पहला क्वेश्चन, हमारे पास क्या आया? सर आंसर नहीं मिला। बेटे सेकेंड क्वेश्चन पूछो, किसके पास आया? सर पवन के पास आया। तो पवन अकाउंट डेबिट, हमारे पास से क्या गया? सर हमारे पास से गुड्स गए टू सेल्स अकाउंट, बी गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट वर्किंग नोट, लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस है बेटा मेरे पास 30,000, सॉरी 20,000। ट्रेड डिस्काउंट है बेटे 10%, 18। पॉइंट नंबर 9, सोल्ड गुड्स टू यामिनी ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 25,000 फॉर रुपीज 23,000। सर यहां पे तो ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे दिया। हाँ बेटे, तो यामिनी
अकाउंट डेबिट। टू सेल्स अकाउंट। बी गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। नेक्स्ट पॉइंट बेटे, पॉइंट नंबर 10th, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 10,000 एट कॉस्ट प्लस 20%, एट कॉस्ट प्लस 20% लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट टू भूपेश। सर कुछ नहीं है, थोड़ी सी वर्किंग ज्यादा कर दी है। पहले आप देखो, आपने गुड्स सेल करे हैं बेटे भूपेश को, ना कैश लिखा है ना चेक लिखा है, इसका मतलब आपने क्रेडिट सेल किया है बेटे। तो आप यहाँ पे लिखो, हमारे पास क्या आया? कुछ भी नहीं आया। किसके पास आया? भूपेश के पास आया। भूपेश अकाउंट डेबिट। हमारे पास से क्या गया? गुड्स गए। गुड्स का जाना कहलाता है सेल्स अकाउंट। नरेशन क्या लिखेंगे बेटे? बीइंग गुड्स सोल्ड टू भूपेश। वर्किंग नोट बेटे, लिस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट माइनस ट्रेड डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट माइनस ट्रेड डिस्काउंट। लिस्ट प्राइस है, लिस्ट प्राइस है मेरे पास 10,000 रुपए। 20% का प्रॉफिट प्लस हो गया 2,000, 12,000 हो गया बेटे। अब 12,000 के ऊपर आपने ट्रेड डिस्काउंट देना है 10% का, सॉरी लिस्ट प्राइस है ना बेटे, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट माइनस ट्रेड डिस्काउंट जो कि 10% का है, तो 12,000 माइनस 1,200 ये आ गया बेटे 10,800। क्वेश्चन में साफ साफ लिखा है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। कॉस्ट प्लस प्रॉफिट लिखा हुआ बेटे, 10,000 की कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट माइनस 10%। सोल्ड गुड्स, नेक्स्ट पॉइंट, सोल्ड गुड्स परचेज्ड एट लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट, सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक। बेटे सिर्फ आपको कंफ्यूज किया गया है और कुछ नहीं किया गया, ध्यान से देखो। वो ये कह रहा है, मान लो बेटे ये आरके एंड कंपनी है, ये आरके एंड कंपनी, ये यहां से गुड्स परचेज करके ला रहे हैं, ये यहां से गुड्स परचेज करके लाए और बेटे फिर आगे इसको सेल कर रहे हैं, आगे इसको सेल कर रहे हैं। बेसिकली हमें तो सेल की एंट्री करनी है, लेकिन हमारे को यहां से यहां पे जो ये गुड्स लेकर आए हैं वो कॉस्ट पता होनी चाहिए, तभी हम बेटे उसके अंदर अपने प्रॉफिट को प्लस कर पाएंगे। अगर मेरे को कॉस्ट ही नहीं पता लगेगी तो मैं प्रॉफिट कैसे प्लस करूंगा? तो मेरे को ये पता होना चाहिए कि वो पीछे से जो गुड्स परचेज करके लाया है वो कितने अमाउंट का करके लाया है। ओके सर, तो यहाँ पे बेटे 50,000 का लिस्ट प्राइस था, 15% का ट्रेड डिस्काउंट था। जब उसने गुड्स परचेज करें बेटे तो वहां पे लिस्ट प्राइस था 50,000 का और वहां पे ट्रेड डिस्काउंट था 15%।
50,000 माइनस 15% 7,500 7,500 यानी बेटे उसकी जो कॉस्ट थी जिस पे वो खरीद के लेकर आया है वो है 50,000 माइनस 7,500 42,500 ये उसकी कॉस्ट है बेटे जो वो गुड्स खरीद के लाया है। अब वो इसके अंदर बेटे प्रॉफिट प्लस करेगा, अब वो बेटे इस कॉस्ट के अंदर अपना प्रॉफिट प्लस करेगा जो कि 25% है। तो 42,500 का 25% ₹10,625। अब यहां पे बेटे इसका लिस्ट प्राइस आ गया, ये आगे जिसको सेल कर रहा है उसको कह रहा है कि मैं आपको उसको सेल करूंगा, मैं आपको वो अमाउंट दूंगा 53125 में। और बेटे अब इसने आगे ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, इसने आगे ट्रेड डिस्काउंट दिया है 10% 5313 यानी जो नेट अमाउंट इसने जो सेल किया बेटे वो कितना निकल कर आया 53125 माइनस 5313 47812। तो पहले इसने गुड्स परचेज करें बेटे, पहले इसने गुड्स परचेज करे 50,000 की लिस्ट प्राइस थी जिसपे इसको ट्रेड डिस्काउंट मिला, ये इसकी कॉस्ट आ गई। अब इसके पास जो गुड्स परचेज होने के बाद आए उसकी कॉस्ट प्राइस है 42,500, इसने उसके अंदर अपने प्रॉफिट को प्लस किया जो कि 25% प्रॉफिट कमाता है, ये रहा प्रॉफिट, ये इसका पॉइंट आ गया प्रॉफिट प्लस करके कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बेटे इसका ये सेलिंग प्राइस मार्केट में शो हो रहा है। अब जब ये इसको बेचने गया तो बेटे इसने भी ट्रेड डिस्काउंट दे दिया 10% का 5313 और नेट इसने फाइनली 47,812 रुपीज के अंदर गुड्स को बेच दिया है चेक में। ओके सर, तो यहां पे बेटे 9th एंट्री होगी, हमारे पास क्या आया चेक आया, चेक का आना कहलाता है बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। और बेटे लास्ट अमाउंट क्या आया आपका 47812 being goods sold, नाम नहीं दिया हो तो being goods sold against check, पॉइंट नंबर 10, अमन रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ ₹10,000 सोल्ड टू हिम एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। बेटे हमने अमन को गुड्स सेल करे थे, अब वो हम आपको गुड्स वापस करने जा रहे हैं, तो बेटे सेल्स हमारी बुक्स में क्रेडिट होती है, अब जब सेल्स रिटर्न हो गया तो हमारे लिए एक्सपेंस हो गया बेटे, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू क्रेडिट के लिए। पहला क्वेश्चन देखो बेटे, हमारे पास से क्या गया, कुछ भी नहीं गया, किसके पास से गया, अमन के पास से, तो अमन से अकाउंट एंट्री क्या लिखूंगा बेटा मैं, बीइंग, नरेशन लिखेंगे बीइंग अमन रिटर्न गुड्स ऑफ ₹10,000 एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट। बेटे लिस्ट प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, लिस्ट प्राइस है आपके पास 10,000 की, 10% का ट्रेड डिस्काउंट 1,000, 9,000, 9,000।
क्वेश्चन नंबर 17 पेज नंबर 8.53 बेटे आपको पहले याद है जल्दी से कि हमें कॉलम बनाने होते हैं डेट पर्टिकुलर्स एलएफ डेबिट क्रेडिट पॉइंट नंबर वन गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 500 गिवन एज चैरिटी बेटे आपको मैंने स्पेसिफिक एंट्रीज में लिखवाया था अच्छे से याद करो आप लोग अगर आप गुड्स चैरिटी में दोगे तो चैरिटी आपके लिए एक्सपेंस होता है चैरिटी आपके लिए एक्सपेंस होता है बेटे ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड तो चैरिटी अकाउंट डेबिट हमारे पास से क्या गया बेटे गुड्स गए आपको मैंने याद करवाया था बेटे चैरिटी हो या एडवर्टाइजमेंट हो आप जब भी करेंगे बेटे तो आप अपने स्टॉक को कम करेंगे आप अपनी परचेजेस को कम करेंगे तो बेटे जब परचेजेस कम होती हैं जब एक्सपेंस कम होता है तो वो क्रेडिट होता है बेटे तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट आपको एंट्रीज को लर्न करना जरूरी है बेटे एंट्रीज आपको स्पेसिफिक एंट्रीज अगर लर्न नहीं होंगी तो आप बहुत दिक्कत में आ जाएंगे अब बी गुड्स गिवन इन चैरिटी अमाउंट आएगा बेटे 500 500 पॉइंट नंबर टू बेटे सोल्ड गुड्स टू मयंक ऑफ रुपीज 1 lakh payable 25% by check at the time of sale and balance after 30 days of sale. ओहो सर इसका मतलब अभी वो सिर्फ हमारे को 25% दे रहा है और बाकी का वो हमारे को 30 दिन के बाद देगा यानी सर हम ये मान लें कि 25% तो कैश सेल हो गई और 75% क्रेडिट सेल हुई है हाँ बेटे आप यही मानो कि 25% कैश सेल है और 75% क्रेडिट सेल 25% कैश सेल है और 75% क्रेडिट सेल है बेटे तो अब आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझेंगे हमारे पास क्या आया चेक आया 25% के लिए तो बैंक अकाउंट डेबिट 25,000 और सर जो 75,000 की क्रेडिट सेल है तो बेटे देखो ना डेबिट के लिए क्वेश्चन देखो हमारे पास क्या आया कुछ भी नहीं आया किसके पास आया मयंक के पास आया मयंक मेरे लिए डेटर है और डेटर मेरे लिए एसेट होती है और एसेट के बैलेंस डेबिट होते हैं मयंक मेरे लिए डेटर है डेटर हमारे लिए एसेट्स है एसेट्स इंक्रीज हो रही है मतलब डेबिट हो रही तो मयंक अकाउंट डेबिट हमारे पास से क्या गया गुड्स गए गुड्स का जाना आपके लिए क्या कहलाता है बेटे सेल्स सेल्स आपके लिए रिवेन्यू है रिवेन्यू का बैलेंस क्रेडिट होता है मैं आपको दोनों तरीकों से समझा रहा हूं बीइंग गुड्स सोल्ड टू मयंक ऑन 30 डेज क्रेडिट पॉइंट नंबर थ्री रिसीव्ड रुपीज 975 फ्रॉम हरि किशन इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ रुपीज 1000 ओहो सर हमारे को उससे 1000 रुपए लेने थे हम उनसे 975 फाइनली ले रहे हैं तो यानी सर आप उसको डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं
डिस्काउंट जब अलाउ किया जाता है तो आपके लिए एक्सपेंस होता है बेटे, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। हमारे पास क्या आया, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट आपके लिए एक्सपेंस है बेटे, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू हरी किशन। हमारे पास से क्या गया, कुछ भी नहीं गया, किसके पास से गया, हरी किशन के पास से गया। 1000 रुपए लेने थे, 25 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, 975 कैश में आ गया। सर नेक्स्ट पॉइंट, रिसीव्ड अ फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 60 पैसा इन अ रुपी फ्रॉम द ऑफिशियल रिसीव ऑफ राजन हु ओड अस रुपीज 1000। बेटे राजन ने हम लोगों से, बेटे 1000 रुपए ले रखे थे। अब वो 1000 रुपए में से बेटे 1000 में से हमारे को सिर्फ और सिर्फ कितना दे रहा है बेटे, वो हमारे को दे रहा है 60 पैसा इना रुपी, यानी 60%। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं बेटे, तो 60 पैसा इना रुपी मतलब वो 60% हमें पे कर रहा है। कैश अकाउंट डेबिट 600। अब जो वो हमें पे नहीं करेगा बेटे, हमारे लिए बैड डेब्ट्स हो गए। बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट 400। टू राजन्स अकाउंट 1000 बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड रिसीव्ड। नेक्स्ट पॉइंट बेटे, पॉइंट नंबर 5, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1500। मैंने आपको एंट्री लिखवा रखी है बेटे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपके लिए रेवेन्यू होता है इसलिए वो क्रेडिट होगा। एंट्री क्या है बेटे, मैंने आपको लिखवा रखी है कैपिटल अकाउंट डेबिट। एंट्रीज बच्चों को याद होना जरूरी है वरना आप ऐसे ही परेशान होंगे जैसे अभी हो रहे हैं। कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। बेटे आप लोगों ने कॉमर्स तो ले लिया है लेकिन यहाँ पढ़ना बहुत पड़ेगा, सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है अकाउंट्स। आप लोगों को और 2 चैप्टर के बाद बहुत परेशान कर देगा अगर आप लोग रेगुलर नहीं पढ़ाई करेंगे। बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज्ड, और अगर 11th क्लास में अकाउंट्स वीक रह गया बेटे तो 12th क्लास की तो हालत खराब हो जाएगी, तो इसलिए अभी भी है बेटे वक्त, आप पढ़ना शुरू करें। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत दिक्कत है, अकाउंट्स उतना आसान सब्जेक्ट नहीं है बेटे। सोल्ड गुड्स टू अनिल कॉस्टिंग ₹40,000 फॉर कैश एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट। ओके सर, तो हमने गुड्स सेल करे हैं बेटे और वो भी कैश में। हमारे पास क्या आया, कैश आया, कैश अकाउंट डेबिट। हमारे पास से क्या गया, गुड्स का, गुड्स का जाना सेल्स अकाउंट। बी गुड्स सोल्ड और कैश, वर्किंग कर लेते हैं बेटे, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट माइनस ट्रेड डिस्काउंट। बेटे कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 40,000, प्रॉफिट है हमारे पास 25% मतलब कि 10,000, 50,000 हो गया बेटे। उस पर 20% का ट्रेड डिस्काउंट है, यानी सर ये हो गया हमारे पास 40,000। अच्छा 25% है बेटा, 40,000
प्लस 25% यानी कि 10,000, ये हो गया बेटे 50,000, 50,000 का 20% फिर आ गया 10,000, 50,000 का 20% फिर 10,000 आ गया बेटे, यानी यहां पे सेल की एंट्री हो गई 40। बेटे पॉइंट नंबर 7 में लिखा हुआ है पेड कार्टेज ऑफ 100 फॉर डिलीवरी ऑफ गुड्स। आपने इन गुड्स को डिलीवर करने के लिए बेटे कार्टेज पे करी है, कार्टेज आपके लिए एक्सपेंस होता है, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। कार्टेज अकाउंट डेबिट, टू कैश अकाउंट, बीन कार्टेज पेड, नेक्स्ट पॉइंट बेटे पेड इनकम टैक्स। इनकम टैक्स बेटा होता है, इनकम टैक्स होता है बेटे प्रोप्राइटर का, इनकम टैक्स प्रोप्राइटर का होता है बेटे, और प्रोप्राइटर अगर इनकम टैक्स पे कर रहा है तो वो उसके लिए ड्रॉइंग्स है। इनकम टैक्स प्रोप्राइटर के लिए है, और बेटे अगर प्रोप्राइटर इनकम टैक्स पे कर रहा है तो वो उसके लिए ड्रॉइंग्स है बेटे। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट है बेटा कितना 15,000। इनकम टैक्स पेड, बी इनकम टैक्स पेड, बच्चों ने लिखा